ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की संकष्टी गणेश चतुर्थी, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी किसी भी इच्छा को लेके, आप ये सोचते हो हमारे घर में खुशियाँ क्यों नहीं आती हैं, लोगों के घर में इतनी खुशियाँ होती हैं, हम क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस गेहूँ के कुछ दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन कैसे करना है उससे पहले बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग चार बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि गणेश चतुर्थी पर ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लो। देखो, हम लोग क्या होता है ना, कभी भी किसी भी काम के लिए आपका कोई भी घर का व्यक्ति ना वो जाता है, वो काम आपका होता ही नहीं है। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत हाथ पैर मार लिए, फिर भी काम नहीं होता, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गेहूँ। अब इस उपाय के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप गेहूं ही लें, है ना, थोड़ा इजीली अवेलेबल होता है सभी के लिए, इसलिए मैंने गेहूं कहा। आप कोई सा भी अनाज का दाना ले सकते हैं, कोई सा भी अनाज हो, दाल ले लो चाहे तो, चना ले सकते हो, मूंग ले सकते हो, कोई भी अनाज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लोगे, बहुत थोड़ा सा, एक से दो चम्मच आप कोई भी अनाज ले लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं ले लिया। ठीक है, क्या करेंगे आपको फिर क्या करना होगा, गणेश चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पे जब भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आपको चाहे छत पे जाना पड़े या फिर नीचे से ही आपको इनको नमन करना है, नमस्कार करना है, और इनको थोड़ा सा जल को भी समर्पित इनको कर देना है। जैसे पूजन पाठ करते हो वैसे कर लेना चंद्र भगवान की। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप अपने घर में नीचे आएंगे। ठीक है, जो आपने कोई भी अनाज लिया है ना, आप एक कटोरी लेना और उस अनाज को इस कटोरी में डाल देना। ठीक है, और आप अपने घर में जाना, जहाँ पर भी आप अपने घर में भगवान गणेश की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा रखते हो, उनके पास जाना, एक आसन बिछाना, वहाँ पर बैठ जाना। अपने राइट साइड में जो आपने अनाज लिया है, जो गेहूं की कटोरी है, उसको रख देना यहाँ पर अपने राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। हाथ जोड़ करके जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको करनी हो भगवान गणेश की, जो भी उनसे कहना हो, मांगना हो, जिस भी वजह से परेशान रहते हो, वो कह देना। ठीक है, कहने के बाद आपको वहां पर गणेश चालीसा का पाठ करना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आपको वहां से उठना है, और यह जो गेहूं की कटोरी यहां पर आपने रखी है, इसको एक छोटी सी कोई डिब्बी लेना जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो, उस ढक्कन में इस गेहूं को रख देना, संभाल करके रख देना। और आपके घर का कोई भी सदस्य, मतलब मेरे कहने का यह है कि ऐसा नहीं कि चाचा का लड़का है, मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, ऐसा नहीं, आपके ही परिवार का, आपके ही कुल का कोई सदस्य है, जब भी वो किसी भी काम के लिए एग्जाम देने जाता है, बिजनेस के लिए जा रहा है, शादी के लिए जा रहा है, किसी भी काम के लिए जा रहा है, आपको लगता है ये काम होना ही होना चाहिए, आपको उसको थोड़ा सा गेहूं देना है, उसको पैंट की जेब में उसके डाल देना है, वो व्यक्ति किसी भी काम के लिए जाएगा, सारा काम उसका पूरा ज़रूर होगा। उसके बाद जब वो वापस लौट करके आए ना, तो आपको फिर अगर गेहूं थोड़ा बहुत उसके जेब में बचा हुआ हो, तो निकाल करके किसी चिड़िया वगैरह के लिए डाल देना। करके देख लीजिएगा गणेश चतुर्थी का ये उपाय, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, भगवान गणेश हमेशा आपके साथ रहेंगे, सारा काम आपका बनेगा। जब भी गणेश चतुर्थी आती है, ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, हमेशा बताता हूं। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या करना है समझिएगा। चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। इसका एक फायदा बहुत बड़ा है कि अगर आपके घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा हुआ है, वो ठीक हो ही नहीं पा रहा है, मतलब उसको चाहे पेट की समस्या या फिर उसको लीवर है, किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से दूर्वा। जो दूर्वा लेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपको लेनी होगी 5 दूर्वा, हरी वाली ले लो या फिर सफ़ेद दूर्वा ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सफ़ेद ले लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है सफेद तो हरी दूर्वा लेना, लेकिन जो हरी दूर्वा आप लोगे ना, वो 3 गांठ वाली होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक गांठ ऐसे होती है, दूसरी ऐसे हो गई, तीसरी ऐसे हो गई, इसी गांठ से होती हुई पत्तियां निकली हुई होती हैं, ऐसे दूर्वा हमको लेने होंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में, तो 3 गांठ वाली कितनी दूर्वा लोगे, 5 दूर्वा आपको लेने होंगे। ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, यहां पर नियम समझेंगे, समय की बहुत बड़ी पाबंदी है,
आपको क्या करना है, चतुर्थी तिथि के दिन जो 5 दुर्वा आपने लिया है, भगवान गणेश का जो टूटा हुआ दांत होता है उस साइड में उस 5 दुर्वा को रख करके, और चतुर्थी तिथि के दिन सुबह रखना चाहो सुबह रखो, शाम को रखना चाहो शाम को रखो, ये आपके ऊपर है, वो 5 दुर्वा रख देना, ठीक है। रख करके छोड़ देना, पूरा दिन पूरी रात छोड़ देना, ठीक है। अगले दिन क्या होती है, पंचमी तिथि होती है, ठीक है। तो पंचमी तिथि के दिन क्या करेंगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो 5 दुर्वा आपने भगवान गणेश के पास में रखी है उस 5 दुर्वा को आपको उठा लेना, ठीक है। पंचमी तिथि के दिन उठा लेना, और उसी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उठा करके अगले दिन से आपको एक एक दुर्वा को 5 दिनों तक खा लेना, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए। आपके पेट की जो समस्या होगी ना वो तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगी, बाकी आपकी जितनी भी बीमारियां हैं छोटी हों या फिर बड़ी हों, कैसी भी बीमारियां होंगी ना वो तो खत्म हो ही जाएंगी। करके देखिएगा, चतुर्थी के दिन रखना होगा, पंचमी के दिन उठाना होगा, और अगले दिनों से 5 दिनों तक खाना होगा एक एक दुर्वा सुबह के टाइम पे खाली पेट, है ना। ऐसा नहीं खाना पीना खा लिया तब एक दुर्वा, नहीं, सुबह उठते ही सबसे पहले एक दुर्वा उठाओ, चबा चबा करके खाओ और एक गिलास पानी पी लो, ठीक है। करके देखना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत प्यारा है, चतुर्थी का बहुत सुंदर सा उपाय है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है, मैं फेसबुक पर हूँ और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर हूँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय को। देखो, इस उपाय को बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, ऐसे ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमीपत्र, ये वही शमीपत्र वाला उपाय है जो हमको 9 शमीपत्र वाला लेना होता है, ठीक है। थोड़ा समझा दे रहा हूँ, लोग भूल गए हैं, तो 9 शमीपत्र लेना, इसको लेकर के पहुँच जाओ के महादेव के शिवलिंग के पास। देखो, बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको याद होगा। तो जो 9 शमीपत्र लिया है ना, 9 में से शिवलिंग पे जो भगवान गणेश का स्थान होता है, 5 शमीपत्र भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाना, और 3 शमीपत्र चढ़ा देना भगवान शंकर यानी कि महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। 8 चढ़ा दिए, 1 शमीपत्र आपके पास बचा हुआ है। जब महादेव के शिवलिंग से पूजन करके बाहर आओगे तो आपको अपना लेफ्ट, जब बाहर निकल करके आओगे तो अपने लेफ्ट पर आपको उस 1 शमीपत्र को और रख देना होगा, और उसी शमीपत्र के बगल में एक घी का दिया, गोल बत्ती का, भगवान मयूर ध्वज, भगवान गणेश का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज के नाम से, जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगा देता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है, हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, ठीक है। तो इस उपाय को मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, ऐसे ऊपर ऊपर बता दिया क्योंकि कई बार बता चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा याद दिलाना था, ठीक है, समझ में आई ये बात मेरी। चलो, अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ, जो मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई इससे परेशान रहते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, देखो क्या होता है ना, देखने को मिलता है भैया हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ कर दिए, सारे पैसे हमारे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारी ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है ना, बहुत दाग धब्बे आपकी पूरी बॉडी में ना, क्या करेंगे, ऐसे लेना होगा आपको संघ, ये है दक्षिणावर्ती संघ। कौन सा, दक्षिणावर्ती संघ। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती संघ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे किसी भी भाई बहन के पास ये वाला संघ नहीं है तो जो भी नॉर्मल संघ आपके पास में है वो ले लेना, ठीक है, रख लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पंचरत्न, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आपको पंचरत्न, उससे कहना भैया हमें पंचरत्न चाहिए, तो ऐसे पैकेट में पंचरत्न दे देंगे, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा तुलसी माता के पत्ते, 1 या 2 पत्ते आप ले लेना तुलसी माता के, ठीक है, ले लिया। उसके बाद जो भी संख आपके पास में है इसमें भर देना पानी, क्या भरोगे, पानी यानी कि जल भरना, जो पंचरत्न है वो डाल देना और तुलसी माता का 1 पत्ता डालना, और अगर आपके घर में सिक्का वगैरह कोई हो, 1-2 मतलब होगा ही, 1-2 रुपए का सिक्का वो डाल देना, ठीक है। इसको पूरी रात रखा रहने देना, चतुर्थी तिथि के दिन पूरी रात रखा रहने दें, अगले दिन यानी कि पंचमी के दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो आप क्या करेंगे, इसका जो जल होगा, ठीक है, जब भी आप स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो आपको अपनी बाल्टी में इसका जल जो है वो डाल देना है, ठीक है, डाल करके और स्नान कर लेना आप 2-3 दिनों तक। इस तरीके से उपाय करके देखिएगा, वो जो जल होगा
इस तरीके से रोज करना है, जैसे चतुर्थी के दिन करिया, फिर पंचमी के दिन करो, फिर अगले दिन करो, लगातार 3 दिनों तक तो करके देख लो, आपकी जो भी बीमारियां होंगी ना, दाग धब्बे मतलब बॉडी में हमेशा बने रहते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की, जो कि बहुत प्यारे थे, बहुत सुंदर थे। मेरे किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।